हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि सोनी मैथ्स कोचिंग क्लासेस अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर नाइन तक कंप्लीट कर लिया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन एंड ट्वेल्व और नेक्स्ट वीडियो हम थ्री का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन हमारा एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैर फिगर 3.32. पॉइंट थ्री फिगर थ्री थ्री टू में आपको बताना है कि ये ट्रेपेजियम है कि नहीं है और इसका कौन सा दो टू साइड है जो कौन से टू साइड है जो कि पैरलेल है ओके आपको मालूम है कि ट्रेपेजियम साइड्स में जो दो पैरलेल लाइन है ओके तो ये जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है एन और एम और के और एल ओके यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ टू साइड्स ऑफ पैरल आपको बताना है कि ट्रेपेजियम में ऐसा कौन सा है जो दो साइड है ऐसे कौन से दो साइड्स हैं जो पैरालेल है कि लाइन सेगमेंट है जो एन और एम ये लाइन सेगमेंट का साइन है एन एम पैरालेल है किसके के और एल के इसको आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी कैसे क्योंकि जो एंगल एम है जो एंगल एम है और जो एंगल एल है ओके okay? इनका सम कितना है एंगल एम 100 डिग्री है और एंगल एल है 80 डिग्री हम इसको ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री होता है यहाँ पे जो भी हमारे दो लाइन सेगमेंट है उनके साइड साइड की जो एडजस्ट एंगल है उनका टोटल हमारा कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए तो ये जो इसकी लाइन होती है वो पैरल कहलाती है तो यहाँ पे आपका एंगल एम प्लस एंगल एल का टोटल कितना है 180 डिग्री ओके तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरालेल तो ये है आंसर हमारा एन एम पैरलेल है के एल के और क्या बोला एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम इसलिए ये ट्रेपेजियम है क्योंकि जो एंगल एम है और एंगल एल है जो पैरले लाइन के जो एंगल है एंगल एम और एंगल एल है इनका टोटल हमारा कितना है वन है ओके okay? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180, हंड्रेड एट्टी सो के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इलेवन है हमारा फाइंड एंगल सी इन फिगर थ्री पॉइंट थर्टी थ्री इफ ए बी सेगमेंट पैराल है डी सी सेगमेंट फिगर थ्री पॉइंट थ्री ये दिया हुआ है, ओके फिगर थ्री पॉइंट थ्री में है कि एंगल सी फाइंड करना है एंगल सी को आपको फाइंड करना है यदि इफ ए बी पैरेलल है ए बी पैरेलल है डी सी के यदि ए बी समांतर है डी सी के तो आपको एंगल सी को फाइंड करना है तो ये भी क्वेश्चन नंबर टेन की तरह ही है अकॉर्डिंग टू फिगर कौन-कौन सी लाइन पैरेलल है ए बी सेगमेंट पैरेलल है डी सी सेगमेंट के ओके तो आपको मालूम है कि जब दो पैरल लाइन होती है तो जो इसके एडजस्टेंट एंगल होते हैं उनका टोटल हमारा कितना होता है 180 होना चाहिए दैट्स वाई एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होना चाहिए हमारा 180 डिग्री तो एंगल बी दिया हुआ है हमारा 120 डिग्री एंगल सी 180 डिग्री तो एंगल सी क्या हो जाएगा 120 माइनस पे हो जाएगा राइट साइड पे माइनस करने पर क्या आ जाएगा एंगल सी हमारा 60 डिग्री ओके तो हमको क्या फाइंड करना था फाइंड एंगल सी तो एंगल सी हमारा निकला है कितना 60 डिग्री ओके सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है हमारा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस ये वाला फिगर जो दिया हुआ है इसमें आपको एंगल पी और एंगल एस बताना है यदि एस पी पैरल लाइन है किसके आर और क्यू के इफ यू फाइंड एंगल आर इज देर मोर देन वन मैथ टू फाइंड एंगल पी क्या यदि एंगल पी को आप एक से ज्यादा मैथड से निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम एंगल पी और एंगल एस को निकाल लेते हैं तो यहां पर आपको मालूम है क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर फिगर ओके फिगर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में कौन सा फिगर थ्री पॉइंट थ्री फोर एस पी लाइन सेगमेंट पैरा ले किसके आर के ओके okay? जैसा हमने टेन और इलेवन क्वेश्चन में सॉल्व किया वैसे ही हमको ट्वेल्व क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, जो के जो है उनका हमारा कितना होना चाहिए? 180, okay? तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम निकाल लेते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू का टोटल कितना होना चाहिए हमारा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ओके जो पैरल लाइन है उसके जो अपोजिट एडजस्टेंट एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है हमारा 180 हंड्रेड एट्टी तो एंगल पी हमें नहीं मालूम एंगल क्यू दिया है 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री आप इसको राइट right साइड पे लाकर माइनस कर, कर दीजिए एंगल पी कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस वन डिग्री 50 डिग्री तो एंगल पी हमने कितना निकाल लिया फिफ्टी डिग्री ओके इसी तरीके से हम सेकेंड नंबर क्या निकालना है हमको एंगल एस तो आपको मालूम है कि जो पैरल लाइन का जब अपोजिट एंगल ये है 180 तो ये भी क्या होगा हमारा अपोजिट पैरल लाइन के एडजस्ट एंगल क्या टोटल कितना होगा हमारा 180 डिग्री ओके तो यहाँ पे मालूम है कि एंगल आर कैसा दिया हुआ हमारा एंगल आर हमारा क्या दिया हुआ है राइट एंगल दिया हुआ ओके एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल वन डिग्री ओके एंगल एस हमको फाइंड करना है एंगल आर कितना है हमारा 90 डिग्री क्यों क्योंकि एंगल आर इज अ राइट एंगल ओके इसलिए कितने का है 90 डिग्री तो एंगल एस कितने का हो जाएगा हमारा 90 डिग्री को हम राइट साइड पे माइनस पे कर देंगे तो एंगल एस हमारा कितने आ जाएगा 90 डिग्री का ओके okay? तो हमने फाइंड कर लिया क्या एंगल पी इक्वल फिफ्टी डिग्री और एंगल ए नाइन्टी डिग्री बोल रहा है एंगल पी को निकालने का एक से ज़्यादा मेथड है क्या तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं एंगल एस निकालने के बाद आपका मालूम है कि एक ये कॉड्रीलेटर है हमारा तो आपको लिखना है यश हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं एक से ज़्यादा मेथड से निकाल सकते हैं आपको मालूम है कि ये ट्रेपेजियम क्या है कॉड्रीलेटर है जिसका टोटल हमारा कितना होता है थ्री हंड्रेड सिक्सटी का ओके तो जब ये है वन हंड्रेड थर्टी ये है नाइन्टी नाइनटी का तो आप एंगल पी निकाल सकते हैं